고기 골라서 가요. मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि राष्ट्र ने आपको सम्मान का पात्र बनाया है और अब आप इस सम्मान को बांटिए। आप जिसे सम्मानित करेंगे वह अपने को विशेष सम्मानित समझेगा। मैं बड़ा हो गया हूँ नहीं, मुझे दूसरे के बड़प्पन को स्वीकार करने का अवसर दिया है। आप एक तरह से माने मुझे सम्मान की फ्रेंचाइजी मिली है और मैं आप सब गुणीजन को जो सुयोग्य सुपात्र हों उन्हें सम्मान का हिस्सेदार बनाऊं और भोलेनाथ का यह प्रसाद सब में वितरित करूं। यह मेरी नहीं कलाकार वर्ग और सर्व रचना धर्मियों का सम्मान है और यह काशी मेरी जन्मभूमि है और गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर मेरी कर्मभूमि रही है। अतः बाबा भोलेनाथ और बाबा गोरखनाथ इस सम्मान के अधिकारी हैं, मैं तो पात्र हूँ। थाली स्वयं भोजन नहीं करती, अपने इष्ट देव को भोग लगाने के लिए वह मात्र निमित्त बनती है। पात्र और अधिकारी में यही अंतर है। अधिकारी तो वही है जिसने मुझे संत प्रवर पंडित ओंकारनाथ जी ठाकुर के प्रधान शिष्य और महान रचनाकार पंडित बलवंत राय जी भट्ट भावरंग जैसा गुरु दिया और मुझे अनगढ़ को सुगढ़ बनाया। सब उन्हीं लोगों को यह सम्मान जाता है, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। कितने खुश हैं इस पद्मश्री सम्मान से आप? कलाकार जब भी सम्मानित होता है वो प्रसन्नता का विषय है, रचनाधर्मी जब भी, क्योंकि अवंदनीय का वंदन और वंदनीय का अवंदन यह एक सांस्कृतिक अपराध बनता है। इसलिए आपको जब भी सम्मान मिले आप समग्र कला और कलाकार का सम्मान समझें, इस मात्र में अपने अपना ही सम्मान न समझें। ये कला जगत का सम्मान है और काशी में जो हमको प्रतिष्ठा मिली है, जो प्यार मिला है अपनों से, यह उसका आदर है।